इंजेक्शन भी लोगों को इस मौके पे भी दिए हैं। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा सर, स्वाइंस के विधायक मत से खड़े गए हैं एक जिला अस्पताल भावता में और एक दो सिलेंडर पर डे कैपेसिटी के बाद से जो आज शिवजीराम काम को उनका जिले में एक सौ चार ऑक्सीजन बेड्स और हम ऑक्सीजन सप्लाई करने की कैपेसिटी में आ जाइए। यहाँ पर ऑक्सीजन इंजेक्शन काम के अलावा मरीज को सुविधा आपकी निर्देशन में राज्य में पुनः पहली बार काफी ज्यादा वायरल लोगों हवा में उत्साह हो जाता है, ऐसा जो भी वायरल लोग होता है उनके कुछ के कारण से एम्बुलेंस द्वारा सब करके बाहर थ्रॉट कर दिया जाता है कि भारतीय उसको ऑक्सीजन की नींद है उसको वेंटिलेटर की नींद है तो वो ये सुविधा इस एम्बुलेंस के तहत होती है। ऐसी सर मैं निवेदन करूँ की आज जो इसको उपलब्ध करवा रहा है maintains negative pressure in patient cabin, thus limiting cross-infection of airborne diseases like COVID-19, SARS, etc. from the patient to the medical fraternity, patients, attendant and outsiders. The ambulance features an advanced ventilation system performing more than 20 air changes in the patient cabin. Also equipped with state-of-art medical equipment providing vital and critical life support to the patient. The world-class interiors assure extreme patient comfort. थैंक यू सर, कलेक्टर जोधपुर से अनुरोध करूंगा कार्यक्रम को आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोधपुर जिले को जल्द से जल्द ऑक्सीजन में हमें आत्मनिर्भर करना है सर, उसको देखते हुए सर आपने अपने एमएलए लैब से हमें दो प्लांट्स दिए, इसके साथ साथ बाकी समस्त हमारे जो विधायकगण हैं उन्होंने आपसे प्रेरणा ली, उनकी तरफ से भी हमें एमएलए लैब में सर प्लांट्स मिले। उसके साथ साथ जन समुदाय की तरफ से तकरीबन 7 से ज्यादा प्लांट सर हमें मिले, जिनमें से 2 का लोकार्पण ऑलरेडी किया जा चुका है और ऑक्सीजन जनरेशन चल रहा है सर। अभी तक जिले में एमएलए लैब में सर 10 से ज्यादा प्लांट, सीएसआर के माध्यम से 7 से ज्यादा प्लांट और सरकारी योजनाओं में 4 से ज्यादा प्लांट, कुल सर 21 प्लांट जिनकी की 2500 से ज्यादा सिलेंडर प्रतिदिन बनाने की क्षमता है सर, वो हमें ऑलरेडी आ चुके हैं। जिला कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपके निर्देश पे जिस तरीके से उन्होंने एक लेटर जारी करके दानदाताओं को से मांग करी कि दानदाता आगे आकर के इसमें मदद करें, तो हम चला करके कलेक्टर महोदय के पास गए। उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि सबसे पहले ये ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, हम उससे पहले कुछ तैयारी में थे टेक्निकल एक डॉक्टर विनोद सैली के मार्फत, तो सबसे पहले ये खोज निकाला एक ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए। तो मैंने देवेंद्र जी बुढ़िया ने और हीरालाल जी मुंडेल साहब के साथ मिलकर के पहला प्लांट आपके कलेक्टर साहब के आदेश पे या निर्देश पे इन्होंने कहा चाहिए, तो हमने सबसे पहले उसकी घोषणा करी और उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया प्लांट थोड़ा लेट हुआ तो ऐसा मैसेज मिला प्रशासन से भी ऑक्सीजन तो बहुत हो गया है पर कुछ इसमें ये आईसीयू बेड में से ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हमने टोटल 47,50,000 का ऑर्डर दिया था पर कलेक्टर साहब और प्रशासन और प्रिंसिपल साहब के कहने पे हमने इसको छोटा किया है। हमारी तरफ से श्रीमान करीब 5 ऑक्सीजन प्लांट के अलावा इस ऑक्सीजन प्लांट के अलावा 5 आईसीयू बेड जिसकी लागत कुछ भी आएगी हम उसको देंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये 26 लाख का ही आया है, 50 लाख की घोषणा तो हमने पहले ही कर दी।